एमएस एक्सेल 2016 के इस अध्याय में होम टैब में अलाइनमेंट ब्लॉक के अंतर्गत आज आप सीखेंगे रैप टेक्स्ट, श्रिंक टू फिट और मर्ज इन सेंटर ऑप्शन का उपयोग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हमने एक डेटा तैयार करके रखा है जिसके हेडिंग्स बड़े होने के कारण हमने कॉलम की विड्थ यानी चौड़ाई बढ़ा रखी है, लेकिन इनमें जो वैल्यूज हैं वो इतनी बड़ी नहीं हैं। इस कारण कॉलम में नीचे काफी जगह खाली दिखाई दे रही है। यदि हम कॉलम्स की विड्थ कम करते हैं तो इसमें जो हेडिंग लिखे हैं वो छुप जाएंगे यानी वो कट जाएंगे। अब यदि हम इन हेडिंग्स को कॉलम की चौड़ाई के हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले इन्हें सिलेक्ट करेंगे, फिर होम टैब के अलाइनमेंट ब्लॉक में जाकर रैप टेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए सभी हेडिंग कॉलम्स की विड्थ के हिसाब से एडजस्ट हो गई हैं। यदि आप चाहें तो कॉलम्स छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। ये हम टेक्स्ट को वापस उसी स्थिति में ले आए हैं जिसमें कि हमारी हेडिंग्स जो हैं वो कट रही हैं। अभी हमने टेक्स्ट को कॉलम में एडजस्ट करने के लिए रैप टेक्स्ट ऑप्शन का उपयोग किया था। इस टेक्स्ट को एडजस्ट करने का एक और तरीका है, उसके लिए हम इन हेडिंग्स को सिलेक्ट कर लेंगे और अलाइनमेंट ब्लॉक में कॉर्नर पर जो छोटा सा एरो बना हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर टेक्स्ट कंट्रोल में श्रिंक टू फिट ऑप्शन पर क्लिक करके ओके करेंगे। देखिए जो भी हेडिंग कॉलम की विड्थ से बड़ी थी उनके फॉन्ट साइज कम हो गए हैं और वो उसमें एडजस्ट हो गई हैं। अगर आप कॉलम का साइज बढ़ाते या घटाते हैं तो अपने आप इन हेडिंग का फॉन्ट साइज उसके हिसाब से बढ़ जाएगा या घट जाएगा और इस तरह से वो हेडिंग जो है वो उस कॉलम में एडजस्ट हो जाएगी। इसको हम कंट्रोल जेड से वापस नॉर्मल कर देते हैं। वापस हम अलाइनमेंट ब्लॉक में इस एरो पर क्लिक कर रहे हैं। यहाँ टेक्स्ट कंट्रोल में देखिए सबसे नीचे आपको मर्ज सेल्स का ऑप्शन मिलता है। ये ऑप्शन आपको बाहर अलाइनमेंट ब्लॉक में मर्ज इन सेंटर में मिल जाएगा। मर्ज इन सेंटर का उपयोग सेल्स को मर्ज करने के लिए किया जाता है। देखते हैं कैसे। पहले हम डेटा के ऊपर हेडिंग दे देते हैं। अब ये देखिए अगर हम इन कॉलम्स की विड्थ चेंज करते हैं तो ये हेडिंग डेटा के एक तरफ दिखाई दे रही है, यानी कि ये डेटा के सेंटर में नहीं आ रही है, जबकि ये हेडिंग है इसलिए हम चाहते हैं कि ये डेटा के सेंटर में आए। तो उसके लिए हम इन सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये देखिए सारी सेल्स मर्ज हो गई हैं और हेडिंग सेंटर में आ गई है। अब अगर आप किसी भी कॉलम की विड्थ कम या ज्यादा करेंगे तो भी ये हेडिंग सेंटर में ही रहेगी, कॉलम की विड्थ से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर आपको ये सेल्स अनमर्ज करना हो तो वापस मर्ज एंड सेंटर ऑप्शन में जाकर के अनमर्ज सेल्स पर क्लिक कर दें। ये देखिए वापस से ये सेल्स अनमर्ज हो गई हैं और हमने जो हेडिंग डाली थी वो पहली सेल में आ गई है। अभी हमने आपको मर्ज एंड सेंटर और अनमर्ज सेल्स ये दो ऑप्शंस बताए। अब इसमें दो ऑप्शंस और बचते हैं, मर्ज अक्रॉस और मर्ज सेल्स। हम आपको ये भी बता देते हैं ताकि आप इनका अंतर समझ सकें। इस डेटा के नीचे हमने ये सीरियल नंबर्स डाले हैं 1, 2, 3, 4। इनको हम मर्ज करके देखते हैं। जितने कॉलम्स तक हमको मर्ज करना है हम उनको सिलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे ही हम मर्ज अक्रॉस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ नीचे जो अलग अलग तीन कॉलम्स दिख रहे हैं ये मर्ज होकर के पूरा एक कॉलम हो जाएगा और यहाँ पहले कॉलम में जो हमारा टेक्स्ट है वो चूंकि राइट अलाइनमेंट में है इसलिए अब वो एक कॉलम बनने के बाद इस तरफ आ जाएगा। ये हमने मर्ज अक्रॉस पर क्लिक किया। ये देखिए यहाँ से
रोज तो हमारी वैसी ही हैं, पर कॉलम्स जो हैं वो पूरे मर्ज हो गए हैं। तीन की बजाय अब ये पूरा एक कॉलम बन गया है और हमारा टेक्स्ट चूंकि राइट अलाइनमेंट में था इसलिए वो खसक कर अब यहां पर आ गया है। अब हम देखते हैं अगला ऑप्शन मर्ज सेल्स। इसके लिए हम नया टेक्स्ट ले लेते हैं। यह हमने टेक्स्ट यहां पर टाइप कर दिया है। अब जितना एरिया हमको मर्ज करना है वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब हम चुनते हैं ऑप्शन मर्ज सेल्स। जब हम मर्ज सेल्स ऑप्शन चुनेंगे तब ये जितना भी सिलेक्टेड एरिया है इसमें दो कॉलम्स हैं, चार रोज हैं और सेल्स काफी सारे हैं, मर्ज सेल्स करने पर ये सब के सब एक सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी ये पूरा सिलेक्टेड एरिया जो है वो एक सेल बन जाएगा। अब इसमें हमने जो टेक्स्ट टाइप किया है वो लेफ्ट बॉटम अलाइनमेंट में है, तो जब ये सारी सेल्स एक सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी तब भी टेक्स्ट का अलाइनमेंट वही रहेगा, लेफ्ट बॉटम अलाइनमेंट। अब हम मर्ज सेल्स ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं। ये देखिए, ये पूरा की पूरा सिलेक्टेड एरिया एक सेल में कन्वर्ट हो गया है और हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट बॉटम अलाइनमेंट में आ गया है। हम इसको वापस पुरानी स्थिति में ले आते हैं। अब हम देखते हैं कि मर्ज इन सेंटर ऑप्शन जब हम यूज करते हैं तो इसमें क्या अंतर आता है। ये देखिए, इसमें भी सारी सेल्स मिलकर के एक सेल बन गई है पर इसमें अलाइनमेंट चेंज हो गया है। पहले जो हमारे टेक्स्ट का अलाइनमेंट था वो लेफ्ट अलाइनमेंट था, अब ये सेंटर में आ गया है और चूंकि ये बॉटम अलाइनमेंट था इसलिए ये बॉटम में है। MS Excel 2016 के इस अध्याय में होम टैब में अलाइनमेंट ब्लॉक के अंतर्गत आज आपने सीखा रैप टेक्स्ट, श्रिंक टू फिट और मर्ज इन सेंटर ऑप्शन का उपयोग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।